सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो ये जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें है कि आप कुछ भी पाना चाहो तो जवानी में पा सकते हैं। जवानी में आप खूब धन संपत्ति कमाओ, शास्त्र कभी नहीं कहता कि आप धन संपत्ति मत कमाओ, लेकिन साथ साथ में आप आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़िए। आप अभी भक्ति करेंगे तो आपका मन जल्दी एकाग्र हो जाएगा और परमात्मा को के पास बैठने के लिए आपके पास अभी शक्ति है। तो जवानी में कमाना भी है, पूंजी भी इकट्ठी करनी है बाद के लिए, और जवानी में भक्ति भी करनी है या अध्यात्म में जिसकी रुचि है गुरुओं की शरण में जाएं, सत्संग सुने, तो एक अच्छा जीवन का निर्माण हो सकता है। क्योंकि ये हमारा जीवन तो चल ही रहा है, हम रोज सवेरे उठते हैं, अपने कर्मों में लग जाते हैं और रात्रि को सो जाते हैं, सवेरे से फिर वही की वही प्रक्रिया। लेकिन यदि हम किसी संतों से जुड़ते हैं, सद्गुरुओं से जुड़ते हैं, हमारे यहाँ संत लोग आते रहते हैं, तो जब संतों के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारी दिनचर्या बदल जाती है, हमारे जीवन जीने की शैली बदल जाती है, हमारे मन के अंदर जो विकार आने वाले हैं, जो हम जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं निषिद्ध कर्म, कि जिन कर्मों से दूसरे को पीड़ा पहुँचे, जिससे हमारे हमको भी पीड़ा हो, हमको भी दुख हो और दूसरों को दुख दे, तो ऐसे कर्मों से जब हम संतों के साथ रहते हैं तो ऐसे कर्मों से हम बच सकते हैं गृहस्थ धर्म में भी। क्योंकि संतों के सानिध्य में रहेंगे आप शुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी के साथ उठेंगे बैठेंगे सम्मानपूर्वक आपका की जीवन शैली रहेगी। हम जीवन में क्या चाहते हैं कि कहीं हम बैठें चार छः लोगों के बीच तो वहाँ सम्मान। हमारा जो भारतीय संस्कृति है तो हमारे यहाँ धर्म को बहुत महत्व दिया गया है, और आप जिस परिवेश में रहते हैं गली मोहल्ले में, यदि आप धर्म के साथ जुड़े हैं, आपके घर में संत महात्माओं का आगमन है और आप थोड़े आध्यात्मिक हैं, तो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जीवन में क्या चाहिए, और वही हम और कर्मों में लग जाएंगे, शराब इत्यादि पिएंगे, चाहे खूब पैसा है, धन संपत्ति है, सब कुछ है, सामने से दो मिनट आपका कोई सम्मान भी कर लेगा, लेकिन दो मिनट के बाद में कहेगा अरे ऐसा ही पियक्कड़ है, ऐसे ही घूमता रहता है। तो हमारा धर्म कहता है कि हमको परमात्मा ने जन्म दिया है तो सम्मान पूर्वक हम जिए, हमारे लक्ष्य को अर्जित करें, और लक्ष्य को अर्जित करके जिसके लिए मिला है कि आप नर से नारायण कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम सब है वही ऋषि मुनियों की संतान है, या स्वयं नारायण ही समझो, कि एक भगवान का मन हुआ एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और वही हम जीव भाव में आ गए। जीव भाव में आए तो धीरे धीरे हम अपने बंधनों में बंध गए, पारिवारिक बंधनों में, माता पिता मिले तो नाम मिल गया, हमको उनका रूप मिल गया, हमको पिछले जन्म में जहाँ थे उनके संस्कार, अभी के जन्म के संस्कार हमारे जुड़ते गए, और फिर धीरे धीरे हमने उनको जब अपना माना, फिर हम बड़े हुए, शादियाँ हुई हो गई, तो हमने अपने बच्चों को अपना मान लिया, तो मोह कहाँ से शुरू होता है, मेरे से। जब मेरे हो गए तो फिर हमारा मोह शुरू हो जाता है, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म बिना नर पावत नाही। तो सकल पदार्थ तो है, लेकिन अपने पिछले कर्म, अभी के संस्कार, हमारे घर परिवार के, तो व्यक्ति उसमें यदि चाहे तो नर से नारायण हो सकता है। यदि वो अभी मानवीय प्रकृति में जी रहा है तो वो मानवीय प्रकृति से देवी प्रकृति में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की का अध्यात्म में होता है कि पहले तमोगुणी जो व्यक्ति होता है तो उसको क्या लगता है, मतलब उसका कर्म होता है, या तो उसको झगड़ा पसंद आएगा या फिर वो सो जाएगा। थोड़ा रजोगुण मिश्रित होगा तो अच्छे कर्म करेगा, लेकिन सतोगुण रजोगुण मिश्रित होगा तो फिर वो परोपकार का काम करेगा, दूसरों के जैसे हॉस्पिटल खोल देना, ये कर देना,
तो वो कर्म प्रधानता उसकी आ जाएगी। तो करते तो हम कर्म सबको ही हैं, कोई अपने लिए कर्म करता है और एक है कि सबको लेकर कर्म करता है। और जो संत है, संत की दृष्टि होती है वसुदेव कुटुंबकम, कि हम पूरे के पूरे इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करें। तो बस ये भाव है कि जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी यदि संतों के संग में रहेगी, संतों से सत्संग करेगी, और जैसे हमारे धर्म शास्त्रों को का पठन पाठन करेगी कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है। हमारे हिंदुओं में आजकल ये हो गया है कि किसी ने बता दिया वहाँ अच्छा बाबा है, हम आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। किसी ने बोल दिया वो झाड़ा लगाता है, हम झाड़ फूक कराने चले गए। किसी ने वृंदावन में बंगला बनाने के लिए चले गए, कभी वृंदावन में छप्पन भोग लगाने के लिए चले गए। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, परमात्मा के लिए हम कुछ करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है पहले वो पढ़ना चाहिए। हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमको अभी पूजा पाठ की पद्धति ही पता नहीं है कि भगवान शिव का पूजन हम कैसे करें। एक छोटा सा मतलब कर्म है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे माता पिता करते रहे, दादा दादी करते रहे, और अड़ोसी पड़ोसी करते, हमारे नाते रिश्तेदार करते, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि हम एक पूजा प्रकाश, नित्य पूजा प्रकाश लाके हम पहले देखें कि जो पंडित हमको पूजा करा रहे हैं तो ये पंचोपचार से क्या पूजा है, षोडशोपचार से क्या पूजा है, और हम भगवान की पूजा कैसे करें, हमारा कर्म कांड क्या है, किन ऋषि मुनियों ने ये पूजा की। ऐसे ही जब हम अध्यात्म जुड़े तो हम देखें कि हमारी गीता क्या कहती है, उपनिषद हमारे क्या कहते हैं, ब्रह्म सूत्र आखिर क्या है। तो कभी घर में होगी पुस्तकें, संत महात्मा आएंगे तो धीरे धीरे जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। और हमको अपने ग्रंथों के बारे में पता ही नहीं है, जिसने जो बोल दिया हम उसकी ओर चल पड़ते हैं। यदि हमको अपने ग्रंथों के बारे में पता हो, हमारे शास्त्रों के बारे में पता हो, हमारे धर्म के बारे में पता हो, तो हम अपने धर्म में अनुष्ठित होंगे तो हमको कोई डिगा नहीं सकता, हमको फिर किसी का भय नहीं होगा। जन्म मृत्यु का भय तक गुरु छुड़ा देते हैं हमारा, तो फिर ये सांसारिक भय की तो का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इसलिए युवा पीढ़ियों को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, किसी सद्गुरुओं से पढ़ो। आपके यहाँ संत महात्मा आते हैं, आप संत महात्मा जैसे योग के शिविर लगाते हैं तो हम अटेंड करते हैं, ऐसे ही कोई ना कोई ग्रंथ के शिविर आप अटेंड कीजिए, औरों को भी हम शिक्षा दे सकते हैं। और लोगों को लगता है कि यदि हम ये अपने धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, संतों के पास जाएंगे तो संत बन जाएंगे। हमारे यहाँ तो राजा जनक के यहाँ रोज संतों का मेला लगा रहता था, कितने उदाहरण हैं हमारे यहाँ राजाओं महाराजाओं के, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज, उनके यहाँ सनकादि ऋषि आके सत्संग करते थे। भगवान राम तो नहीं बने कभी सन्यासी, भगवान कृष्ण सन्यासी नहीं बने। आप अपने कर्मों को जिसके लिए, तो ये एक भय मन में हो गया कि यदि हम अपने बच्चों को आश्रमों में भेजने लगे तो कहीं हमारा बच्चा महात्मा न बन जाए। तो महात्मा यदि बन गया, चलो उसके संस्कारों से, तो आपकी तो 21 पीढ़ियों को तार देगा, तो आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि दुख होना चाहिए। लेकिन हम जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे जीते हैं, तो हमको लगता है कि हमारा परिवार भी ऐसे ही जिए। और अक्सर हमको भय किसका है, लोगों का, कि लोग क्या कहेंगे। और जब ये भय चले जाते हैं इन, तो आप ग्रंथ पढ़ोगे, आप हमारे शास्त्रों का पठन पाठन करोगे, संत महापुरुषों के मध्य में बैठकर जब अध्यात्म की शिक्षा अर्जित करेंगे, तो फिर आप अपने जीवन को समझ पूर्वक जी सकेंगे, आप अपने बच्चों को उनके मन के अनुसार, जैसे कोई बच्चा चाहता है कि मुझे ये काम करना है, बाप पहले से बोलता है कि नहीं, बच्चा बोलता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनता, और बाप बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनाना है, बच्चे को कुछ और बनना है, लेकिन बाप उसको जबरदस्ती डॉक्टरी में डाल देता है, और बाद में जब वो नहीं बन पाता तो पूरे जीवन बच्चा भी दुखी रहता है, आप भी दुखी रहते हैं। यदि आप समझ से जियोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बेटे को जो पढ़ना है बेटा पढ़े, हम उसमें सहयोग करेंगे। तो ये धर्म हमको ये शिक्षा देता है कि आप दूसरे का भी देखो,
कि सामने वाले को क्या पसंद है। तो ये जीवन अपने लिए नहीं होता, ये जीवन दूसरे के लिए है। लेकिन जब हम अपने लिए जीने लगते हैं तो स्वयं भी दुखी होते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए संतों की महत्ता है, सत्संग की महत्ता है। इसलिए बोलते हैं कि जवानी में यदि आप बचपन से माता पिता के साथ संतों के बीच जाओगे, जवानी में सत्संग सुनोगे और जवानी में सुना हुआ और जो कुछ कमाया हुआ है वो बुढ़ापे में आपके काम आएगा। बुढ़ापे में फिर ये मोह माया के बंधन में आप नहीं पड़ोगे। यदि घर में कोई समस्या भी नजर आएगी तो लगेगा कि घर वाले सुखी हो, चलो 2-4 महीने हम हरिद्वार संतों के बीच रह लेंगे। तो ये है जीवन असली। लेकिन हम इस असली जीवन को, हमको मिला तो हीरे के जैसा जीवन है लेकिन कोड़ी बदले जाए। तो हमारे यहाँ तो उपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रध कस्वित धनम। कि ये पूरा का पूरा जो संसार है ये सब ईश्वर से आच्छादित है, और पूरा का पूरा जब ईश्वर से आच्छादित है और जो भी कुछ मिला है वो परमात्मा की कृपा से हमको मिला है। तो बोलते हैं कि जो आपको मिला है उसको आप अच्छी तरह से भोग कर लो, और जब आप भोग से तृप्त हो जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि ये धन, ये सब कुछ, ये यही का यही छूट जाने वाला है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो पहले भोगने के लिए हमारे पास वैसी बुद्धि भी तो चाहिए। परमात्मा ने हमको उपयोग की चीज़ें दे दी, रोटी कपड़ा मकान दे दिया, उपयोगिता की चीज़ें दे दी हमको कि आप इस परिवेश में जहाँ पर आप रहते हो तो आपका अच्छा सुंदर कोठी हो, आपके घर 150 लोग आए तो उठाने बैठाने की जगह हो, आपके पास सुंदर गाड़ियां हो, आने जाने के लिए वाहन चाहिए, अच्छे परिवार प्रियजनों में व्यवहार में जाओ तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार में लेन देन अच्छी हो सके। आखिर क्या है गृहस्थ जीवन में, यही तो एक उत्सव और मंगल है कि आपके घर में आपके बच्चों का शादी ब्याह होगा तो आपके परिवार प्रियजन आपके साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे, आपके और किसी के यहाँ है तो आप उनके साथ मना लोगे। तो उत्सव ही जीवन है। हमारे शास्त्रों में तो प्रत्येक दिन उत्सव है, इसलिए बोलते संत की तो हमेशा दिवाली है। लेकिन उत्सव के साथ साथ आप लोग धर्म में जुड़े रहें, और अपने जीवन को जब तक हम किसी भी धर्म में नहीं जुड़ते तो कहीं ना कहीं जीवन बिखरता है, और जब जीवन बिखरता है तो व्यक्ति टेंशन में आता है, और टेंशन में आके क्या करेगा, घर से बाहर रहेगा, घर से बाहर रहेगा तो धीरे धीरे नशा करने लगेगा, नशा करने लगेगा घर के पैसे बर्बाद होंगे तो घर में कलह होगी, और यही जीवन हम देखते आ रहे हैं। और यदि आप अपने धर्म ग्रंथों से जुड़ोगे, यज्ञ अनुष्ठान करोगे, देवताओं को तृप्त करोगे तो देवता आपको देता है। हमारे तो प्रत्येक अंग में देवता बैठे हुए, प्रत्येक इंद्रिय में, हमारे आँखें सूर्य और चंद्रमा है, कानों में आकाश देवता है, ऐसे नासिका में अश्विनी कुमार है, हाथ इंद्र देवता है, हमारे जो चरण है वो भगवान विष्णु है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी भी जब देखती है कि संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्या सिखाता है ये कि अच्छी प्रकार अपने जीवन को धर्म से के साथ जोड़कर जियोगे तो आप अच्छे मानव कहलाओगे। यदि इस जीवन को आप संतों के साथ जोड़कर यज्ञ अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को आप परमात्मा के लिए आहुत करके जियोगे, ब्रह्मार्पण ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ऐसे जीवन को आप जियोगे तो फिर आप स्वयं जब यहाँ इस धरा से जाओगे तो फिर नर से नारायण होके जाओगे।